पिरनवाड़ी एरिया है दोस्तों, और ये देखिए पूरा ओपन जगह और वहाँ पर प्लॉट घर बन रहे हैं। और ऐसी एक जगह पर मतलब पत्थर निकल रहे थे और ये सांप, कौन देखा सर, कौन निकल रहा था ये? ये छोटे छोटे लोग निकल रहे थे। अच्छा 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 फिर दिखाई दिया आपको? हाँ। डर? अच्छा अच्छा फिर डर गए? हाँ। डर गए कि नहीं? हाँ, डर गया। और किसको बता, ये पत्थर क्यों निकल रहे थे? किला बांधने के लिए? क्या करने के लिए? देखिए छोटे छोटे बच्चे, मुझे भी पता नहीं था, और ऐसे खेल कूद करते रहते हैं और उनको दिखाई दिया। ये भी सांप शर्मा के दिखिए ऐसे बैठा हुआ है। ये बात भी बहुत मायने रखती है, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे हम हमेशा कहते हैं, लेकिन सांप कोई छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं मानता। खतरा दिखता है तो ये कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि उनको पता नहीं रहता, लापरवाही ज़्यादा होती है, तो हमें उन पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नाग है, पकड़ने के बाद बाकी की बातें करेंगे। ऐसा पकड़ो सर, ये हाथ से पकड़ो, ये देखिए, ऐसे खड़ा नहीं करने का। हाँ। खड़ा नहीं करने का वो, बिल्कुल तकरीबन 3 साल का ये सांप बड़ी आसानी से मिला क्योंकि वो वहाँ पर ही बैठा था। हो सकता था जा भी सकता था लेकिन गया नहीं। लेकिन देखिए कैसे हम हर बार बताते कि आस पड़ोस में सांप होते हैं, तो ऐसे सांप आके छुपने की जगह है, वहाँ पर कहीं पर भी बैठ सकते हैं। और आपके खासकर बच्चे, देखिए बच्चे यहाँ पर ये कर रहे थे, वो हलचल कर रहा है और कुछ उसको तकलीफ हुआ तो वो काट सकता है, नहीं तो किसी से भी उसको कुछ मतलब नहीं होता है। सांप ऐसा नहीं छोड़ता कि ये छोटे बच्चे है या महिला है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको नॉलेज कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन सांप जो है हर किसी के साथ वही व्यवहार करेगा, चाहे वो आपके बच्चे हो या हमारे हो। डरना तो सबको चाहिए और अपना लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, अलर्ट रहना ज़रूरी होता है। बड़ी आसानी के साथ मिला और आगे भी हमें 2 फोन आए, इसलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। लेकिन सांपों को बचाने का, जानकारी देने का ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बेलगाम में पार्वती नगर में हूँ दोस्तों, ओपन प्लॉट वगैरह है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह पर सांप आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे गांव की एक दोस्त है, क्या नाम सर आपका? मारुति कुजी। आपको ही दिखाई दिया ना सांप? है तो आप काम कर रहे थे और दिखाई दिया, तो हमारे गांव के ही है और इनको ये यहाँ पर ये सांप दिखाई दिया है। इधर गए क्या वो? सही जगह पर सेंट्रिंग, कुछ सामान पड़ा हुआ है, फलिया वगैरह निकाल के चेक करेंगे कौन सा है। ये पकड़ा कौन था? दिखाई दे रहा है मुझे, कंफर्म हो गया मुझे। ये देखिए आपको भी कंफर्म है, तो देखिए धामन जाति का सांप है, दिखाई दे रहा है, आराम से मिलेगा क्योंकि कंक्रीट का सब जगह है। ये आसानी के साथ है। ये फिर मेंढक के चूहा वगैरह के पेट में है, और इस तरह से पहले पकड़ने के बाद ये हलचल करते देख सकते हैं। तकरीबन 4 साल का ये सांप हो सकता है, धामन जाति का सांप है दोस्तों, और इसने खासकर मेंढक खाया होगा। मेंढक वगैरह कंस्ट्रक्शन की जगह पर आ जाते हैं, ठंडी जगह पर खासकर। ये सांप तो चूहे ज़्यादा खाता है और चूहे खाने की मशीन बोलते हैं इसलिए, क्योंकि इसका नाम ही रैट स्नेक रखा गया है, और ये विषैला नहीं होता। किस तरह से अटैक कर रहा है, और ज़्यादातर मुंह पर अटैक करने की कोशिश करते रहते हैं सांप, और ये वैसे तो काटता नहीं 90%, और काटने की कोशिश करेगा हाथ में तो 90% मेरे मुंह पर अटैक करेगा, लेकिन ये विषैला नहीं होता है। देखिए किस तरह से जाने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है, और उसको खतरा लग रहा है तो इस तरह से ये कर रहा है। ये हो गया, इसमें बंद हो गया, ये देखिए यहाँ पर इसने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको बाहर छोड़ दूंगा तो ये दूसरा हाथ लगाने से पहले ही छोड़ देगा। तो जानवर के हाथ पाँव बांधता है, पैर बांधता है बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मेरे भी बांधता था। फिर अभी मैं हाथ दूसरा लगाकर छोड़ रहा है तो जानवर के कैसे पाँव बांधेगा, हमें
अपना अकल मतलब ये बटन जो बंद किया है विचार का वो चालू करना पड़ेगा। लोगों की बात मत सुनिए, अपने आंखों से जो कुछ देखा है वो सच है और सच्चाई आप तक पहुंचाने का ये मकसद है, मिशन है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। आगे जानकारी और डर लोगों का दूर हो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब हमारा चैनल अगर नहीं किया है तो एक ही बार करना पड़ता है, लोग तो बार बार कभी कभी हर बार करते ऐसा नहीं है, एक बार चैनल हमारा सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशन मतलब वहाँ पर आपको जो घंटी बाजू में दिखाई देती है अगर आपने दबाई तो हर वीडियो नया हम डालते हैं तो आपको स्क्रीन पर आएगा और इस तरह की वीडियो देखने को मिलेंगे।